नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को मेरे एम गुरु जी चैनल में। दोस्तों, आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि ये जो वीडियो है रिपब्लिक डे के स्पीच के बारे में मनाया जा रहा है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगर स्पीच देना है स्कूल कॉलेज या किसी भी ऑफिस में, आप स्टूडेंट हैं टीचर हैं, तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, अगर इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं इस तरह का और भी वीडियो बहुत सारा बनाया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देख रहे हैं कि यहाँ सबसे ऊपर लिखा गया है रिपब्लिक डे। ठीक है, 26 जनवरी को मनाया जाता है स्पीच। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा गया गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आप सभी को गुड मॉर्निंग, रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, टीचर, पेरेंट्स एंड माई डियर फ्रेंड्स, माई नेम इज, यहाँ अपना नाम डाल सकते हैं, एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9th, आप जो भी हो 9th, 10th, 11th, 12th डाल सकते हैं। तो ये ग्रीटिंग्स था यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ग्रीटिंग्स आप ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर और यहाँ नीचे एक और तरीका बताया है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मोस्ट ऑनरेबल चीफ गेस्ट ऑफ टूडे। ठीक है, अगर आपके स्कूल कॉलेज में कोई चीफ गेस्ट हो तो यहाँ पे ये वाला बोल सकते हैं, रिस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, बाकी वही वाला मैंने लिख दिया है, माय नेम इज, यहाँ अपना नाम डाल सकते हैं, एंड आई एम ए स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9। ठीक है, जो भी आपका स्टैंडर्ड वहां लिख सकते हैं। तो ये ग्रीटिंग्स बोलने का तरीका था। ठीक है, आप मैं ऊपर बताऊं वो वाला बोल सकते हैं या फिर ए वाला भी बोल सकते हैं या फिर अपने मन से भी अगर आप सजाना चाहते हैं तो सजा सकते हैं। अब चलिए इसका स्पीच के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो स्पीच यहाँ है, देख सकते हैं आप, लिखा गया है टुडे वी ऑल हैव गॉट टुगेदर। ठीक है, कह रहे कि गॉट टुगेदर एक फ्रेजल वर्ब है, गेट टुगेदर से बना हुआ है, इसका अर्थ होता है एकत्रित होना। हेयर ऑन एन ऑस्पिशियस ओकेजन रिपब्लिक डे, कह रहे कि हमने, ऑस्पिशियस मीन्स होता है शुभ, एक शुभ ओकेजन पे हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इट इज 17th रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, कह रहा है कि यह इंडिया का 17th रिपब्लिक डे है। इट हैज बीन सेलिब्रेटिंग एनुअली सिंस 26 जनवरी 1915, कह रहा है कि ये कब से मनाया जा रहा है, तो 26 जनवरी 1950 से मनाया जा रहा है। ठीक है, बिकॉज ऑन, यहाँ ऑन छूट गया था, मैंने रेड से लिख दिया, ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट, क्योंकि केम इन टू इफेक्ट भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है लागू होना। ठीक है ना, बिकॉज इस दिन मेरा संविधान जो है लागू हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कह रहे कि हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट जो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑल्सो टूक ओथ ऑन दिस डे। ठीक है, टूक ओथ, टेक ओथ से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है शपथ, शपथ लेना। ठीक है, इसी दिन 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हुआ था, भारत के प्रथम प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे। ठीक है, आगे देखिए द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे बता रहा है कि जो संविधान का जो हेड होता है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के प्रेसिडेंट होते हैं। अनफर्ल, अनफर्ल को मैंने अंडरलाइन किया है, इसका अर्थ होता है फहराना। अनफर्ल नेशनल फ्लैग एट राजपथ इन न्यू दिल्ली, कह रहे हैं कि जो हमारे संविधान का जो हेड होते हैं, जो प्रेसिडेंट होते हैं, वे न्यू दिल्ली में राजपथ पे क्या है, हमारा नेशनल फ्लैग, झंडा को फहराते हैं। आफ्टर दिस, उसके बाद लिखा गया इसके बाद अदर प्लेसेज नेशनल फ्लैग इज होइस्टेड, होइस्ट मीन्स भी फहराना होता है, अनफर्ल मीन्स भी फहराना होता है, कह रहे कि जब प्रेसिडेंट फहरा लेते हैं तो दूसरे जगह पे फहराया जाता है। अ ग्रैंड परेड इज ऑल्सो हेल्ड ऑन दिस डे बाई इंडियन आर्म फोर्स, कह रहे कि भारतीय आर्म फोर्स, आर्म फोर्स को अंडरलाइन किया गया है क्योंकि आर्म फोर्स में तीनों सेना आ जाता है, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, जो एयरफोर्स ने भी आर्मी होता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ आवर ग्रेट लीडर, कह रहे कि इस दिन क्या कर रहे थे, अब भारत की जो आर्म फोर्स है उसके द्वारा एक परेड कराया जाता है। ठीक है, जहां पे हमारे देश के ग्रेट जो लीडर हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहे दिस इज वन ऑफ द थ्री नेशनल होलीडे ऑफ इंडिया, कह रहे कि ये हमारे जो तीन होलीडे है, जैसे रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है और 2nd अक्टूबर है, उसमें से एक है।
मेनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज एट वेरियस प्लेसेज लाइक स्कूल कॉलेज एंड ऑफिस। कह रहे हैं कि और भी बहुत जगहों पे जैसे स्कूल में या फिर ऑफिस में या कॉलेज में बहुत तरह की एक्टिविटी होती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, बहुत तरह की एक्टिविटी कराई जाती है। ऑल पीपल फील वेरी हैप्पी एज वेल एज प्राउड एंड सेलिब्रेट इट टूगेदर। कह रहे हैं कि सारे लोग काफी खुशी रहते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है, फील प्राउड, और साथ में मिलकर बनाते हैं। लास्ट में लिखा गया है जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों ये था रिपब्लिक डे के बारे में स्पीच, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। और इस तरह का और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिलता रहे। बहरहाल मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।